गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी 10 स्टार स्क्वाड। सो टाइटल से तो आप देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो क्या होने वाली है, बट मैं आपको एक थोड़ा सा एक वो दे दूं कि जो जो छोटे यूट्यूबर हैं लाइक जिनका चैनल अभी भी मोनेटाइज हुआ है और मतलब $100 उनका पूरा नहीं हो रहा, वो मुझसे अपनी RPM और CPC बढ़ा सक CPC बढ़ाने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मतलब इंस्टा पर या फेसबुक पे उससे कांटेक्ट कर लें। आई विल गिव यू एडवाइस कि उसको आप कैसे हाई करें, बिकॉज ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और मेरा खुद अभी बहुत लाइक 19-20 चला गया है। तो पिछले 7 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि कैसे आप बढ़ा सकते हैं। बाकी ये क्या नाम है तला जो बोल तैमूर बेग ने डिस किया था आसिफ वली को और आसिफ वली ने रिप्लाई कर दिया है। तैमूर बेग के डिस का नाम था नॉर्थ फाइनेस्ट, बट यहाँ पे आसिफ वली के डिस का नाम है लाल बेगम। ओके लाल बेगम, और 18+ है, ड्रेल बीट है, प्रोड्यूस बाय कैकी थाउजेंड। ओ कैकी थाउजेंड भी बीट बनाने लग गया, वाह। तो जाते हैं सॉन्ग में बिना किसी देरी के, चेकआउट करते हैं। जो जो चैनल पे न्यू चैनल करें सब्सक्राइब, लेट्स गो। अब आसिफ वाले आजा पर भी मारते हैं इस बकरी की। लाल बेगम कम ऑन रास्ता बन चुका मेरी जान मेरे सामने तू झाट तुझे लगेगा चमार सीधे बार तेरे दांत तेरे एरिए पे भारी मेरे लोग सिर्फ पांच शुक्र कर मेरी जान अभी डरे नहीं है डांग मुझसे पंगा लेने वाले का मैं फाड़ देता गान सबको पता मेरे बारे में छोड़ता नहीं जान कम गेम चेंज जब लेस फेम चली लन फेम लगे मुझे सारे गाने वैसे अगर मैं जो पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर ये आसिफ वली ओल्ड स्कूल बीट पे अगर आता ना तो खुदा की कसम तैमूर बेग से बहुत अच्छा डिस करता, बट ये भी अच्छा है। बट मुझे आसिफ वली का ना जो ओल्ड स्कूल पे जैसे उमर अंजुम के साथ बीफ हुआ था उसमें आसिफ वली ने जो परफॉर्मेंस दी थी ओल्ड स्कूल बीट में, वो एटमी बॉम्ब में जो सेकेंड बीट पर जो किल किया था भाई मुनीर वॉइस की, तो मतलब फाड़ के रख दी थी। मैं बेसिकली मैं बहुत मुझे बहुत पसंद है मनीर वॉइस, नो हेट टू एनीवन, बट उस वर्स में बहुत ख़तरनाक लिया था। तो जाते हैं सॉन्ग में, इसमें अभी तक कोई इतना कोई खास हिट लाइन ओ पंच लाइन तो नहीं है, बट काउंटर अटैक कर रहा है, मैं अब बचाव कर रहा हूँ। मेरे लोग सिर्फ पांच शुक्र करे मेरी जान अभी डरे नहीं है डांग मुझसे पंगा लेने वाले का मैं फाड़ देता गान सबको पता मेरे बारे में मैं छोड़ता नहीं जान कम गेम चेंज जब लेस फेम चली लन फेम लगे मुझे सारे गाने फेम में हूं टैंग लेर के लिए हार्ड मेरी गैंग अबे भोसड़ी का जानता मैं सारी तेरी प्लान अभी बार नहीं तरस करा तुझ पे ये बैंड तेरे करियर से भारी मेरा एग्जिट ट्रैप मेरा फ्लो है तू पानी सीधे करा है जैक तू है कॉपी बैक लाइक गंजू का स्केच खसी है तू और तेरी ये फैंस भी जिनको नहीं पता क्या होता है रैप भी फेमस तू छाप के बनता खुद फ्लैक्स नहीं फिर भी तू अपने उठाता हर ट्रैक में तुझसे तो पहले ही मिलियन से मारे करता मैं फ्लैक्स नहीं सभी ये जाने बड़ा तू नॉर्थ का बनता है फाइनेस्ट पर तुझे घर में कोई रैपर ना माने गडर ऊपर ले हैं सारे तूने जो हक दिया माइक पे ब्रो लगता तू खानदानी बंगी तभी तेरी नजर बस कचरे पे हो बाप हूं तेरा तू जानता। ये वाली लाइन बहुत हरामी थी, मतलब क्या बोले। वैसे गटर वाली स्टोरी उमर अंजुम ने भी लगाई थी जब उनकी बीफ हो रही थी। बेटा तू मेरा मेहमान पले हैं सारे तूने जो हक दिया माइक पे ब्रो लगता तू खानदानी बंगी तभी तेरी नजर बस कचरे पे हो बाप हूँ तेरा तू जानता बेटा तू मेरा मेहमान था रैपर तू काए का लन का लिखता जो अंजुम के पेन का बस करो बच्चे मेरे जाता मैं कौन है पीछे तेरे बाप हूँ तेरे में आइडल्स का तू तो फिर उनका बसेला है बे जब भी मैं जाता हूँ करने पेशाब तो लन को देख कर आता तू यार मारी गुलाबी अब मारूंगा काली मारेंगे छोटे तू समझ जा बात बेचानी शोर और ना ही जमीर। ओ भाई मारी नहीं गुलाब मारी गुलाबी और अब मारूंगा काली मतलब वो पहले उमर अंजुम की बारी अब तेरी बारी कोई तू जैसा नहीं फकीर शादी में बिजी हूँ भोसरी वाले शुक्र माना तुझे कर रहा डेज बार टू बार मैं करता नहीं रैंक तुझे क्या पता क्या होता है स्लैंग जस्ट तू करे मुझे मेरे हाइट पे क्या तुझे देनी है अपनी कोई बहन तू मुझे मारेगा लोड़े के बाल जब मांगा था एड्रेस दिया क्यों डाल तेरे जैसों को यहाँ गांडू हम मानते यार यार थे कभी गल तो निकाल पता लगेगा कि अपने कौन सब जानते अपनी है ऊपर तक पहुंच रहता खामोश तू तभी तो भोंक रहा गुलाबी गांड से मेरा जा पूछ ब्रो मेरा बन गया आज तेरा भाई तू पा कौन मुझसे बीफ करे बेटा जोत दूंगा हार तेरी गैंग मुझे
शांति है बिना गले बात सीधी बात करूं लेर गली भाई तेरा नाश मेरा फ्लो चले रैपरों को देते हुए हाथ तुझे चंबे पे चंबे करा दूंगा भाग तुझे पता नहीं है कितनों का तोड़ चुका दांत मैं हूं तोड़ बेटा गांड तेरी मार दूंगा आज पहले बना ले औकात में वही हूं जिससे डरता तेरा सैविज भी मुझे ना रैपिंग सिखा मैं रोज पढ़ाता हिप हॉप की केमिस्ट्री तू मेरा स्टूडेंट है बजे उमर अंजुम के बेटा टे तू जैसा घसी नहीं मेरी विश लिस्ट नो बिश तुम अभी हो कच्चे रैपिंग में 13 साल से हूं चके कुर्बान ने शौक को दिए हैं धके फिर भी मैं करता रहा कभी रुका नहीं इन्हीं धक्कों से हुए हम पके कभी तू मजनू तू कभी तू गैंगस्टर कभी तू ट्रेंड पर कभी तू लन पर भरा तू करता है नशों की ये तो ले रहा है ये वाला वर्ड अच्छा मार रहा है मतलब कभी तू बनता है लवर मतलब मोस्टली वो लाइक यू नो लाजवाब के बाद हिट हुआ था बट मैंने पहले सुना हुआ था तैमूर बेग को जब वो बिल्कुल भी फेमस नहीं था बट लाजवाब के बाद बहुत सारे लोग उसको जानने लगे थे सारे कहने लगे थे ओ ये तो अंजुम की कॉपी है सो बाकी ये तो यार बंदा दिखाता है कि हाउ वर्सटाइल ही इज तो ये आप गलत कह रहे हो इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ बाकी देखते आगे बातें असल में तू खुद ही है लॉजिक का कैंसर बिच अबे यार तूने ये क्या यार ताकि इसे ऑन कर दी ना बिट अपने को टेंशन नहीं है चल ले ताकि ये ख्वाहिश है अपन बीट स्विच करते हैं मेरी स्विच इसके लिए वैसे काफी था पीछे अपन ने करके गया ये भी सुन लाल बे सुन बकरी काली गांड लेता फुल लैब के तू 5000 देखा आई टोल्ड यू ये ओल्ड बीट पे बहुत खतरनाक आता मतलब ओल्ड बीट पे इसकी वॉइस बनी ही ओल्ड बीट के लिए ओल्ड स्कूल रैप बहुत खतरनाक कर रहा है तो ये देखो आपने एटमी बॉम्ब में भी पहले जो ड्रिल कर रहा था उसमें मुझे कुछ इतना पंच लाइन अच्छे थे एटमी बॉम्ब बहुत अच्छा डिस था इसका बट जैसी बीट चेंज हुई उसमें बंदे ने जो स्लो था वो स्टार्ट देखो लेता फुल लैब के तू 5000 काली गांड ऐसे कमाता तू पूरे साल ऐसे फ्लैक्स करे जैसे ले रहा 2-3 लाख तेरा पूरा साल मेरे एक वर्ष का होता चार्ज स्ट्रीट वाली वाइब बीफ रैपर करता गार्ड किधर है वो उमर अंजू किधर है वो सैविज नाइट गाय वो पूरे सीन से हैं उन्हें पता है आसिफ वाली आया सीन में है बेश 22 ग्राम का लोड़ा लेता तू चीख के चरस पीते सब पर तू लेता अपने पीछे तभी तो गांड तेरी होश में नहीं मैं आसिफ वाली पूरा हाथ देता बच के रे तू कहता मिलके बोलूंगा मैं तुझे फैन हूँ सर रन के सर तू तो आया मेरे बाद इधर तुझे मैं चंबे भी करा दूं कभी मिल जिगर ये सिर्फ वार्निंग है अभी भी है वक्त संभल बेच नॉर्थ कराची सेक्टर 5E में भला लड़के की लाश बरामद हुई है खुशी की या उसे कत्ल किया गया पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है देख रहे हो ना आखिरी वाला ओके अब्बा वालो गैंग खतरनाक सेकंड बीट दिल जीत गया उसमें सेकंड बीट में फर्स्ट लाइन भी बहुत खतरनाक थी जो एक डिस्क में होनी चाहिए ना वो भाई मज़ा आ गया सो यार आसिफ अली मुझे पूरा डिस्क चाहिए ओल्ड स्कूल रैप में बाकी ये ड्रिल भी अच्छा था मैं नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं था बट उसमें मुझे कुछ मतलब इनर फील नहीं आ रही थी चस नहीं आ रही थी बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लगा और आसिफ अली का कौन सा वाला स्टाइल आपको पसंद है ओल्ड स्कूल या फिर न्यू तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू अल्लाह हाफिज़ वेटिंग फॉर तैमूर बेग रिप्लाई प्लीज़